शक्तिपुंज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तपे हुए रक्त भाई बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी, आदरणीय भाई एडवोकेट सुभाष सागर जी, ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भाई अशोक कुमार जी, मिस्टर जो अनाउंस आज स्टेज पर हैं भाई केपी चौधरी जी, भारती जी, अलीमुद्दीन कासमी साहब, जय भगवान जी, भाई मीना जी और उपस्थित सभी बाबा साहब के क्रांतिकारी नौजवानों बहनों, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं कुछ कड़वीर खरी बातें कहने के लिए आया हूँ और ये बात मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नारा जय भीम घर से बाहर लगाते हैं और घर में गणेश पूजते हैं, मित्रों आज हम बाबा साहब के दिए हुए नवजीवन में तीसरी पीढ़ी काट रहे हैं। हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साथ उस समय दिया, न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे, बस एक नियत थी कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं हम उस पर तैयार हैं, कुर्बानी देने को कर। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के किसी कोने में या विदेश में कोई भी दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, किसानों और गरीबों के लिए आवाज उठाई तो सब लोग सड़क पर आकर के बाबा साहब के लिए कुर्बानी देने को तैयार हुए हैं। तो क्या आज आप लोग उसी बाबा साहब के खून हैं? अगर खून है तो तन मन से तैयार रहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तपे हुए खून उनके पोते बाला साहब हमारे प्रकाश जी बीच में हैं। अगर इन पर विश्वास बांध लीजिए, नियत बांध लीजिए, क्योंकि जैसे हम तुम्हारे साथ हैं प्रकाश साहब अंबेडकर, आगे बढ़ो, आवाज है गूंजनी चाहिए दिल्ली, प्रकाश साहब अंबेडकर आगे बढ़ो, अभी आवाज नहीं आ रही, प्रकाश साहब अंबेडकर आगे बढ़ो। मस्जिदों में आप देखते हैं 90% मेरे मित्र अनपढ़ होते हैं। किसी ने, एक मित्र ने उनसे पूछा कि भाई आप उर्दू जानते ना फारसी, आप नमाज कैसे पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अपने मौला पर नियत बांध लेते हैं, जो हमारा मौला कह रहा हम कह रहे हैं, जो वो करेगा हम करेंगे। तो हमें नियत बांध लेनी चाहिए आज इस नौजवान प्रकाश अंबेडकर पर। बाबा साहब अंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें राजनीतिक लोगों ने ठगा है, इसलिए विश्वास समाप्त हो रहा है। जो भी आया बाबा साहब का नारा लगाया और दलितों का शोषण करके खुद उन्हें गिरवी रख के सत्ता की कुर्सी पर आकर बैठ गए। वो टाइम था जब भाई जय भगवान जी बैठे हैं, एक विटनेस है कि जिसका नारा लगता था ऊपर आसमान नीचे पासमान, जब आए थे तो टूटी चप्पल में आए थे और अम्बेसडर गाड़ी जय भगवान जाटव ने दी थी हम लोगों के साथ में। और आज
उन्हें कुर्सी चाहिए, समाज की नहीं, समाज नहीं चाहिए, उन्हें अपना बेटा चाहिए एमपी, उन्हें अपने भाई चाहिए। क्या ऐसे दलित समाज के नेताओं पर विश्वास करोगे? वही बात हम अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर को कहना चाहता हूँ कि प्रकाश जी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर कुर्सी चाहते तो वो बहुत बड़े जज बन जाते, बहुत बड़े अफसर बन जाते, लेकिन कुर्सी उन्होंने नहीं चाही। दलित समाज के लिए, देश के लिए अपने को कुर्बान करते रहे, आप लोगों का अम्ब्रेला बनकर आपको सुरक्षा देते रहे, भारत के हर कोने कोने में, छोटे गांव से लेकर शहरों तक आपकी सुरक्षा के लिए रहे। फोटो में कह दीजिए, समस्या बहुत है, आपको मालूम होगा कि आरक्षण का बिल, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल, पुरानी बोल रहे, दो मिनट और बात खत्म कर रहे हैं। पुरानी सरकार में, इससे पहली सरकार में राज्यसभा में पास हो चुका है, 4 साल गुजर रहे हैं, मोदी जी 48 महीने की बात कर रहे हैं। अरे तुम में दम नहीं, तुम दलितों का कल्याण चाहते हो तो क्यों नहीं अब तक 4 साल में लोकसभा से वो बिल पास क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हारी मेजोरिटी है? दलितों को धोखा दे दिया, गरीबों को धोखा दिया, किसानों को इसलिए धोखा दिया, झूठ बोले कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और जो करने की बात आई तो पूंजीपतियों को करोड़पति अरबपति बनाने की बात करने लगे। आज इस देश के दलितों, अल्पसंख्यकों, राशि प्रसाद नागरिकों को जरूरत है इस देश में बंटवारे की। आज इस देश में, क्योंकि ये लोग तो राष्ट्रीयकरण नहीं करके निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, ये तो पूंजीपतियों को पाल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया लेकर के इनकी सह पर भाग रहे हैं दिल भारत छोड़ छोड़ के, और ये उन लाडलों को पुचकार करके बैठा रहे हैं, उनके बच्चों को बैठा रहे हैं। शर्म की बात है, लज्जा की बात है। अगर देश में प्रकाश अम्बेडकर जी ने बाबा साहब के वायदों पर कदम रख लिया तो साल भर दूर नहीं है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ये लाडले पोते, इनकी ताकत में, इसकी उंगली में, इनके एक शब्द में ये कितना ताकदम होगा कि भारत की सरकार इनके एक टेलीफोन पर कांपेगी, क्योंकि करोड़ों करोड़ों दलित इनका, इनके साथ हर तरह से कुर्बानी देने को तैयार है। जहां भी हो रहा है मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अरे 48 साल की बात करने वाले, 48 महीनों में तुमने क्या क्या करा दिया, आरएसएस ने क्या किया, हिंदुत्व की बात करते हैं, जहर पला रहे हैं देश में, हैं? भारत, बाबा साहब ने कहा था ये भारत आपका है, इसकी सुरक्षा रखना आपका काम है, और बाबा साहब के अनुयायियों ने कभी भी भारत की संपत्ति को आग नहीं लगाई। कितने डिमोन्स्ट्रेशन हुए, कितनी रैली हुई, कभी भी इस देश की संपत्ति को नहीं फूका, लेकिन बाहर से आए हुए लोगों ने इस देश को लूट लिया, इस देश की संपत्ति जला देते हैं, झगड़ा आपसी होते हैं, पसे फूक देते हैं। क्या ये तुम्हारी सरकार इसी तरह ढीली आई है कि जातीय जहर फैलाकर देश भारत को खंड खंड कर दो, और भारत को विश्व का माना हुआ भारत, जिसे सोने की चिड़िया का कंगाल बना के बेच दो? ये भारत के दलित नौजवान, भारत के अल्पसंख्यक ऐसा नहीं होने देंगे। अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर की रहनुमाई में ये जन आंदोलन चलेगा, पूरे देश में चलेगा, और मैं अनुरोध करूंगा कि प्रकाश जी इसके ऊपर सोचें कि हर देश, हर प्रदेश की राजधानी में 3 महीने या 6 महीने में एक जन आंदोलन
पूरे साथ चलाना चाहिए ताकि पूरा शक्ति आपके साथ जुटे, देश के दलितों के लिए आप काम करें, उन्हें सुरक्षा दें, उतनी सुरक्षा दें जितनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी। मैं ज्यादा बात नहीं करके आप लोगों के बीच से दोस्तों उठे क्रांति मिटे क्रांति खेलें अपनी जान से, उठे क्रांति मिटे क्रांति खेलें अपनी जान से, अरे बुझते दीप जला दो फिर आगे बढ़े स्वाभिमान से। रहे एकता भाव हमारा, वक्त न चूके दाव हमारा, हृदय का भरे घाव हमारा, ध्वस्त हरी अरमान से बुझते दीप जला दो फिर बढ़ो आगे स्वाभिमान से। मैं फिर दोबारा भाई प्रकाश अंबेडकर जी को इस आंदोलन की अगुवाई के लिए धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आपके मन ने उनके विचारों ने आप में जो एक नई चेतना जागृत की है, हमारा दलित नौजवान और मेरे जैसे बुड्ढे भी आपके साथ तैयार रहने के लिए काम करने के लिए।